गुड मॉर्निंग क्लास 5. टुडे वी विल स्टडी लेसन 44, बुक्स एंड ऑथर्स. ओके, नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन. जैसे कुछ फेमस बुक्स होती हैं ना, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, तो उनके कोई राइटर्स होते होंगे ना, ऑथर्स यानी उनके कोई लेखक होते होंगे ना जो उस बुक को लिखते होंगे. तो हेयर आर सम ऑफ द बुक्स. यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं आपको बुक्स के, आपको बताना है कि हु हैज़ रिटन दिस, ये किसकी किस किन ऑथर्स की बुक है. ओके, सी नंबर 1, माई अर्ली लाइफ. माई अर्ली लाइफ, मेरी पहले की ज़िंदगी, ये किसने बुक लिखी है? महात्मा गांधी. इट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी. MAHATMAGANDHI. नंबर 2, इंडिया डिवाइडेड. ऑथर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. RAJENDRAPRASAD. गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर. RABINDRANATH TAGORE. माई ट्रुथ, मेरा सच, किसने लिखी है? इंदिरा गांधी. INDIRAGANDHI. प्रेम पचीसी, हु इज द ऑथर? प्रेमचंद. PREMCHAND. सुर सागर, रिटन बाय सूरदास. SURDAS. पंचतंत्र, रिटन बाय विष्णु शर्मा. VISHNUSHARMA. पंचतंत्र, ये बुक तो आप सबने पढ़ी होगी ना, लाइब्रेरीज वगैरह में कितनी सारी पंचतंत्र बुक्स रखी होती हैं ना, जिनमें ढेर सारी कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं. तो इट इज़ रिटन बाय हुम? विष्णु शर्मा. कादम्बरी, हु इज़ द ऑथर? बना भट्टा. BANA BHA TTA. गीत गोविंद, रिटन बाई जयदेव. JADEVA. आनंदमत, आनंद मैथ, रिटन बाय बंकिम चंद्र बोस. बंकिम चंद्र चैटर्जी. ओके, BANKIM CHANDRA CHATERJEE. Now come on, knows best. The whole story of the Ramayan is written in 7 chapters. Ramayan की पूरी कहानी 7 chapters में लिखी हुई है, जिसे also known as, जिसे कहा जाता है कांड. और ये कांड्स हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एंड उत्तर कांड. ठीक है, रामायण को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, 7 चैप्टर्स में, जिसे कांड कहते हैं. और ये 7ों के नाम दिए हैं आपको. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन. नाउ वी विल स्टडी लेसन 45, सिमिलीज कैरेक्टर्स. सिमिलीज कैरेक्टर्स मीन्स सिमिलीज आर यूज टू कंपेयर टू थिंग्स. सिमिलीज क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें देख के आपको ये सिमिलीज जो दी हैं इनको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ सी नंबर 1, एज ब्लाइंड एज अ. क्या होता है? अंधा, यानी कहते हैं ना जो उल्लू होते हैं, जो बैट्स होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है ना कि ये जैसे हम ये बोलते हैं ना कि जैसे जो बैट्स होते हैं उनकी जो आई साइट होती है ना वो बहुत वीक होती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं सिमिली को कि एज ब्लाइंड एज अ बैट, यानी अंधे जैसे बैट अंधे होते हैं, उनको दिखता नहीं है, दिखता कम है, उस तरीके से हम इस सिमिली को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कंपेयर करने में कि एज ब्लाइंड एज अ बैट. किसकी तरह अंधापन? बैट की तरह, चमगादड़ की तरह. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, एज
अगली एज अ फ्रॉग. एज अगली यानी अगली का मतलब क्या होता है? अगली का मतलब होता है मतलब बुरा दिखना या भद्दा दिखना, या जैसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, खराब दिखना, अच्छा नहीं दिखना, है ना. जैसे फ्रॉग दिखते हैं तो मतलब कहा जाता है, अब जैसे इनके फेस का देखो शेप कितना अजीब होता है ना, तो इसलिए ये यूज किया जाता है कि एज अगली एज अ फ्रॉग, यानी बुरा होना किसकी तरह, बुरी शक्ल किसकी तरह, बुढ़ापा मतलब किसकी तरह, फ्रॉग की तरह. ओके, मेढक की तरह. नंबर 3, एज साइलेंट एज अ ग्रेव. साइलेंट यानी शांत, किसकी तरह, ग्रेव की तरह. ये आप लोगों को पिक्चर दिख रही है ना, ये क्या है, एक ग्रेव, ग्रेवयार्ड है जहाँ पे ये किसी की ग्रेव है ना. तो कह रहे हैं कि एक शांति किसकी तरह, ग्रेव की तरह. नंबर 4, एज लाइट एज अ, हल्के से हल्का, क्या चीज, फेदर, बिल्कुल हल्का, किसकी तरह, फेदर की तरह, पंख की तरह. चिड़िया का फेदर देखो जो होता है, कोई भी पंख देखो होता है, कितना एकदम सॉफ्ट होता है ना, और कितना ज़्यादा हल्का होता है कि इसको हम उड़ाएंगे तो उसको कम से कम काफ़ी टाइम लग जाता है ज़मीन तक पहुंचने में, है ना. इतना ज़्यादा वो लाइट होता है, धीरे धीरे, बिल्कुल इतना हल्का होता है वो. तो एज लाइट एज अ फेदर. नेक्स्ट नंबर 5, एज फेथफुल एज अ डॉग, यानी वफादार. वफादार किसकी तरह रहो, हमेशा डॉग की तरह. एज फेथफुल एज अ डॉग. एज ओल्ड एज द हिल्स, पुराना किसकी तरह, हिल्स की तरह. यू कैन सी है द पिक्चर ऑफ हिल्स ना, तो एज ओल्ड एज द हिल्स. नेक्स्ट नंबर 7, एज डीप एज अ, यानी गहरे किसकी तरह, वेल यानी कुएं की तरह. देखो कुआं कितना गहरा होता है ना, तो कह रहा है कि एज डीप एज अ, गहरा किसकी तरह, वेल की तरह, कुएं की तरह. एज हैप्पी एज अ लार्क, खुश होना किसकी तरह, लार्क की तरह. लार्क इज अ बर्ड. ओके, यू कैन सी है द पिक्चर ऑफ लार्क, एल ए आर के. नंबर 9, एज टॉल एज अ जिराफ, यानी टॉल लंबा किसकी तरह, जिराफ की तरह, जी आई आर ए डबल एफ ई. नंबर 10, एज रेगुलर एज अ, रेगुलर यानी नियम से किसकी तरह, क्लॉक की तरह, यानी एक घड़ी की तरह. कम ऑन नेक्स्ट लेसन, नाउ कम ऑन लेसन 46, द प्रोफेशनल्स. ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. यानी प्रोफेशनल्स यानी देर आर सर्टेन पीपल हु आर एसोशिएटेड विद पर्टिकुलर वर्क्स. यानी अब देखो हमारे वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग काम है ना. कोई बारबर है, कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कोई प्लम्बर है, कोई क्लर्क है ना. सब अपने अपने काम में क्या है, एक तरीके से प्रोफेशनल है ना, यानी निपुण है अपने अपने काम को. सब बहुत अच्छे ढंग से करते हैं. अब जैसे एक प्लम्बर एक पेंटर का काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से एक पेंटर एक प्लम्बर का काम नहीं कर सकता, है ना. एक क्लर्क एक एक्सपोर्टर का काम नहीं कर सकता, एक एक्सपोर्टर एक अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता. तो सब अपनी अपनी फील्ड में सब प्रोफेशनल्स हैं. यानी सबको कोई ना कोई वर्क आता है, और वो जो काम करते हैं वो उनका एक ऐसा काम होता है जो कि मतलब सबके लिए होता है. मतलब देर आर सर्टेन पीपल, कई सारे लोग ऐसे हैं हु आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर वर्क, एक काम से एसोसिएटेड हैं और उसमें प्रोफेशनल है और उसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं. जैसे अ पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स और वन हु पेंट्स बिल्डिंग्स वॉल्स एक्सेट्रा. एक ऐसा इंसान जो हु पेंट्स, जो क्या पेंट करता है, पिक्चर्स को या फिर पेंट बिल्डिंग को या फिर वॉल्स को, इन सब चीज़ों को पेंट जो करता है, तो उस पेंट को जो करता है उसको क्या बोलते हैं, पेंटर बोलते हैं, पी ए आई एन टी ई आर. नंबर 2, अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट बुक्स आर्टिकल्स स्टोरीज एक्सेट्रा. एक ऐसा इंसान हुज जॉब इज, जिसका काम है टू राइट बुक्स, बुक्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना और स्टोरीज लिखना, उसे क्या बोलते हैं, राइटर, डब्ल्यू आर आई टी ई आर. नंबर 3, ए पर्सन हु रिपेयर्स और फिट्स द अपैरेटस ऑफ अ वाटर सप्लाई लाइक वाटर टैप्स. यानी एक ऐसा पर्सन हु रिपेयर्स, जो क्या रिपेयर करता है, रिपेयर यानी ठीक करना, जो क्या ठीक करता है और फिट्स या फिर फिट करता है द अपैरेटस ऑफ अ वाटर सप्लाई. यानी किसी जगह से पानी लीक होता रहता है या नल्स टैप्स वगैरह जो हमारे लगाने होते हैं, तो ये सब काम कौन करता है, रिपेयरिंग का, प्लम्बर.
PLUMBER. Number 4, a person whose job is to keep the records or accounts in an office. Ek insaan jiska kaam hai records ko accounts mein office mein rakhna, hai na? So who is that clerk? CLERK. Number 5, a person who writes for the newspaper. Jo newspaper ke liye likhta hai. Kya, kaun likhta hai? Journalist. JOURNALIST. Now come on, number 6. A person who builds houses, buildings, etc. Ek insaan jo kya banata hai, kya build karta hai, ghar, buildings. Kis cheez se? Stone se aur concrete se. To kaun hai wo? Mason. 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 Okay? Number 7. A person who sends goods to another country for the purpose of trade. Jo trade ke liye, vyapar ke liye, goods ko, saman ko, ek jagah se, ek country se, dusri country mein bechta hai, usse kya bolte hai? Exporter. EXPORTER. Number 8. A person whose profession is to keep or inspect financial accounts. Ek insaan jiska profession kya hai? जिसका प्रोफेशन क्या है? टू कीप और इंस्पेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स. फाइनेंशियल यानी अकाउंट्स को रखना और उसकी जांच पड़ताल करना. तो ये कौन करता है कि मतलब जैसे अकाउंट्स में कोई गलती तो नहीं हुई है कहीं कुछ लेन देन में, कहीं कुछ पैसों में, कहीं किसी चीज़ को लाने ले जाने में, मतलब किसी भी तरह के अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है. तो ये किसका प्रोफेशन है? अकाउंटेंट का. AUNTANT. नंबर 9. ए पर्सन हु सेल्स सोप, एग्स, टी, शुगर, एक्सेट्रा. जो एक ऐसा इंसान जो हु सेल्स, जो क्या बेचता है? सोप, साबुन, एग, अंडे, टी, चाय और शुगर, चीनी, एक्सेट्रा. ये सब कौन बेचता है? एक ग्रॉसर. GROCER. है ना? नंबर 10. A person who rides horses in horse races. एक इंसान जो क्या करता है? हॉर्स रेस जब होती है तो उसमें घोड़ों को क्या करता है? घोड़ों पे बैठ के राइड करता है ना? तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? जॉकी. JOCKEY. जॉकी. ओके. नाउ क्लास, योर बुक अप टू पेज नंबर 56 इज कंप्लीटेड. Complete it properly and submit your book in school for checking. Okay, thank you, class.